Okay, good morning all of you. Today we will learn a new lesson. Oh, it's a poem at the zoo. Okay, at the zoo. Zoo यानी कि जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स और बर्ड्स को रखे जाते हैं उसे बोलते हैं जू. आप सबने मोस्टली देखा ही होगा कि जू कैसा होता है. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट. Unscramble the letters given below to find the national animal of India. Okay, India का national animal कौन सा है? तो यहाँ पे ये word है, तो T-I-G-E-R, tiger. Tiger है India का national animal. Okay, तो पहले poem पढ़ लेते हैं. First I saw the white bear. Then I saw the black. Then I saw the camel with a hump upon his back. Then I saw the grey wolf with mutton in his mouth. Then I saw the wombat waddle in the straw. Then I saw the elephant a waving of his trunk. Then I saw the monkeys mercy how unpleasantly they smell. Okay? तो यहाँ है फर्स्ट आई सॉ द वाइट बियर देन आई सॉ द ब्लैक. तो पहले मैंने क्या देखा? वाइट बियर, यहाँ ये रहा. देन आई सॉ द ब्लैक, ये रहा ब्लैक वन. ओके, दिस वन इज वाइट वन एंड दिस वन इज ब्लैक वन. फर्स्ट आई सॉ द वाइट बियर, ये देखा. देन आई सॉ द ब्लैक, फिर ये वाला ब्लैक बियर देखा. देन आई सॉ द कैमल विथ अ हम्प अपॉन हिज बैक. ओके, हम्प यानी कि अ राउंड रेस शेप. के ये रहा कैमल. फिर क्या देखा? कैमल विथ अ हम्प, ये राउंड रेस शेप है. ओके, राउंड उठा हुआ शेप है, दैट इज कॉल्ड हम्प. ओके, अपॉन हिज बैक, उसकी बैक के ऊपर. देन आई सॉ द ग्रे वॉल्फ विथ मटन इज हिज माउथ. ओके, वॉल्फ ये रहा, वॉल्फ यानी कि भेड़िया. ओके, देन आई सॉ द ग्रे वॉल्फ, भेड़िया. कलर क्या है भेड़िए का? ग्रे, ग्रे वॉल्फ. ओके, विथ मटन इन हिज मॉ, मॉ यानी कि माउथ. ओके, उसके माउथ में मटन है, मीट है, मीट का पीस, पीस ऑफ मीट इन हिज माउथ. देन आई सॉ द वॉम्बेट वेडल इन द स्ट्रो. ओके, वॉम्बेट वेडल, वॉम्बेट वेडल यानी कि बरोइंग प्लांट ईटिंग ऑस्ट्रेलियन एनिमल विच रिजेंबल्स अ स्मॉल बियर. बियर के जैसा ही होता है ये वॉम्बेट. ओके, ये एक एनिमल है जो बियर के जैसा ही दिखता है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन एनिमल है और वो सिर्फ प्लांट ही खाता है. ओके, और वो छोटे से बियर की जैसे ही दिखता है. वेडल, वेडल यानी कि टू वॉक स्लोली इन अ स्विंग मैनर. ओके, लड़खड़ाते हुए चलना, वेडल यानी कि इन द स्ट्रो. स्ट्रो यानी कि सूखे घास पे. ओके, तो मैंने क्या देखा? सूखे घास पे लड़खड़ाता हुआ ऑस्ट्रेलियन एनिमल देखा. देन आई सॉ द एलिफेंट अ वेविंग ऑफ हिज ट्रंक, ये रहा एलिफेंट. उसके बाद क्या देखा? एलिफेंट, हाथी देखा, क्या कर रहा था? वेविंग ऑफ हिज ट्रंक. ओके, वेव यानी कि हिलाते हुए, ट्रंक यानी कि उसकी सूंड हिलाता हुआ आ रहा था. देन आई सॉ द मंकी, उसके बाद क्या देखा? मंकीज. ओके, मंकीज को देखा. मर्सी, मर्सी यानी कि दयाना. हाउ अनप्लीजेंटली दे स्मेल. ओके, मर्सी को देख के उस पर दया आ गई कि वो कितना अनप्लीजेंटली यानी कि नॉट गुड, कितना बुरा स्मेल करते हैं. ओके, तो ये रही हमारी ये पोएम एट द जू. फिर एक बार मैं पढ़ लेती हूँ. फर्स्ट आई सॉ द वाइट बियर देन आई सॉ द ब्लैक. Then I saw the camel with a hump upon his back. Then I saw the grey wolf with mutton in his mouth. Then I saw the wombat waddle in the straw. Then I saw the elephant a waving of his trunk. Then I saw the monkeys mercy how unpleasantly they smelled. Okay? तो यहाँ ये हमारी ये poem finish होती है. Okay? Next lecture में मैं exercise start करूँगी. Thank you. At the zoo. First I saw the white bear, then I saw the black.
Then I saw the camel with a hump upon his back. Then I saw the grey wolf with mutton in his maw. Then I saw the wombat waddle in the straw. Then I saw the elephant a waving off his trunk. Then I saw the monkeys. Mercy, how unpleasantly they smelt!